एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्टिंग देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज डिशवाशर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में डिशवाशर का इंस्टॉलेशन और टेक्नीशियन रिव्यू दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि आप सभी को इसके बारे में, डिशवाशर के बारे में सही जानकारी मिल सके और जो डिशवाशर लेना चाहते हैं उनको चूज़ करने में आसानी हो सके। तो और मैं अपने इस वीडियो में टेक्नीशियन रिव्यू दे रही हूँ, मैं अपनी रिव्यू नहीं दे रही हूँ। मैं अपना रिव्यू कुछ दिनों के बाद दूंगी और मैंने कुछ बर्तन डालकर भी दिखाया है, लेकिन ये इंटेंसिव मोड पर नहीं है। इंटेंसिव मोड में 2.5 से 3 घंटे तक का टाइमर होता है डिशवाशर में, उसमें बर्तन बहुत अच्छा है, धुलता है, जैसा टेक्नीशियन का कहा मतलब कहना है। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ऐसा सभी का है कि 2.5 से 3 घंटे का जो इंटेंसिव मोड होता है उसमें बर्तन बहुत अच्छा से धुलता है। तो आप मतलब कि जो भी डिशवाशर लेंगे वो इंटेंसिव मोड पर ही धोएंगे, और सारे डिशवाशर का जो रिज़ल्ट है, जो अच्छा रिज़ल्ट आता है, इंटेंसिव मोड का ही होता है। तो सारे चीज़ की जानकारी मैं टेक्नीशियन के रिव्यू के थ्रू आपको दूंगी। और ये वीडियो मेरा भागलपुर, जो मेरा ससुराल है, बड़े जेठ का जो मतलब घर है, वहाँ पर डिशवाशर आया है। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में, डिशवाशर के बारे में दिखा दूँ। बहुत लोगों का है कि डिशवाशर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारे चीज़ की जानकारी मैं दूँगी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मेरा एक और चैनल है, मेरे मतलब कि सिस्टर का चैनल है जो कि दुबई में रहती है। तो वो भी अभी फ़िलहाल से ही 1-2 महीने हो रहे हैं उसका चैनल नया खुला है, तो वो दुबई का टूर देती है। तो आप वर्चुअली दुबई का टूर कर सकते हैं। उसने बहुत अच्छा बहुत सुंदर वीडियो बनाया है और डाला भी है। आप उसके चैनल पे मॉम ट्यूबर, उसके चैनल का नाम है, मेरे सिस्टर के चैनल का नाम है मॉम ट्यूबर, तो आप उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो हैं, आप मज़ा ले सकते हैं दुबई का। और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिशवाशर का दिखाती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि ये डिशवाशर टेबल टॉप है, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये टैप के थ्रू जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर ऑलरेडी लगा कर रखना होता है ताकि मशीन में कनेक्ट हो सके। तो कनेक्टर का बहुत ज़रूरी होता है वहाँ लगाना टैप में, तब जाकर ये पानी मशीन तक पहुँचता है। ये आपका हो गया था सॉल्ट का, ठीक है ना। ये है आपका सॉल्ट डिटर्जेंट, ठीक है। इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है आपको। जब वो ये हो जाए, भर जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मूव कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक वाटर ले लेना है जग में। फर्स्ट टाइम पानी इनबिल्ड होता है, उसके बाद दोबारा फिर पानी ऑलरेडी इसमें स्टॉक में रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ, क्या बताएं आपने? मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ये पानी आपको इनबिल्ड करना है, सेकंड टाइम इनबिल्ड करने की जरूरत नहीं है, ये कभी भी नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। अच्छा, एक ही बार आपको सॉल्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसलिए है क्योंकि इसमें पानी अभी तो है नहीं ऑलरेडी, ना ही ये चेकआउट हुआ है। फर्स्ट टाइम इसी के लिए होता है, सॉल्ट में जब तक वो पानी नहीं वेपराइज नहीं होगा तब तक वो सॉल्ट यूज नहीं होगा, पानी को काटने का काम नहीं करेगा। पानी का हार्शनेस को काटना इसका काम है, और पानी को एकदम पतला प्रेशर से, इस ये वर्ड से है ना, ये सबसे पतला पानी प्रेशर से निकलेगा, तब जाकर के मशीन में जितने भी आपको क्लीनिंग होगी बर्तन का, सारा उसी से वो क्लीन होगा, ठीक है ना। तो जितना आपको देख लीजिए कि हाँ इसमें जब पानी इनबिल्ड हो गया है, तो कुछ और थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर जाएगा तो फिर उसके बाद फिर से एक बार थोड़ा और आप डाल करके देख सकते हैं। देखिए, देख लीजिए कि फुल हो गया, अब नहीं जाएगा तो इसे थोड़ा सा और आप हिला लीजिए। फुल हो गया ये आपका, फुल होने के बाद आप इसे लॉक कर लीजिए, ये आपका लॉक हो गया, ठीक है। ये है आपका फिल्टर, यहाँ पे आप जैसे आपका खाने में चावल वगैरह सब्जी वगैरह का अगर कुछ भी मात्रा अगर यहाँ पे फंस जाता है तो आप इसे खोल करके साफ कर लीजिए। अभी लॉक तो आप ऐसे लगाएंगे,
इसको साफ करने का कैसे है कि मतलब जैसे आपने खोला ठीक है, हाँ करने के बाद इसे आपको निकाल लेना है, यहाँ पे जितना भी कचरा होगा इस फिल्टर में होगा, इसे वॉश कर लेना है, वॉश करने के बाद फिर से इसे ऐसे लगा लेना है, उसके बाद टन कर लेना है इसको, लॉक हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर खोल लीजिए, अगर यहाँ पे न्यू में अगर कोई क्लिप वगैरह है तो देख लीजिए, और नहीं है तो फिर से आप इसे अंदर कर सकते हैं। अंदर करने के बाद ये वाला आप ले लीजिए, इसे अंदर इंस्टॉल कर देना है ठीक है। और जब भी आप अगर बर्तन के रखते हैं तो ये जो देख रहे हैं सर, ये फिन के दरमियान ही होना चाहिए, मतलब कि दरमियान का मतलब है कि इसके जो पास नहीं है, इसमें सटे ना, इसके नीचे ही होना चाहिए बर्तन, उसके नीचे होना चाहिए, इसके नीचे ही होना चाहिए मिनिमम। तो हम लोग जब भी इंस्टॉल करें तो इसको ये ध्यान रखें कि हम लोग हाँ एक बार मूव करके देख सकते हैं आप कि मतलब कि बर्तन लड़ रहा तो नहीं है, हाँ, ये दोनों में ऊपर नीचे दोनों। और यहाँ पे भी आप बर्तन जो लगाएंगे किसी का चम्मच वगैरह नीचे ना फंस जाए तो इसे भी एक बार आप मूव करके देख लीजिएगा ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड, ये लिक्विड पाउडर है, इसे शाइनिंग पाउडर कहते हैं, शाइनिंग लिक्विड कहते हैं। अभी हम लोग फिनिश का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन समीर जी का ये कहना है कि IFB का सबसे अच्छा होता है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर लेंगे। ये देखिए सर, इसे डाल देना है आपको, जब तक डालना है तब तक जब तक ये फुल ना हो जाए। इसे बर्तन में आपके शाइनिंग होगा जो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स रहता है मशीन में, खराब अकॉर्डिंग होता है मशीन का टाइम होता है ठीक है ना, उसे आपको मशीन में 20 मिनट से 30 मिनट उसमें रखना है आपको, ये 15 मिनट भी आप उसको रख सकते हैं। उससे क्या होता है, ये शाइनिंग लिक्विड जो है आपके सारे बर्तन में शाइनिंग होगा और आपका जो मशीन के नीचे जो पानी रहेगा वो वेपराइज होगा उसमें, उससे क्या होता है बर्तन में शाइन आता है और उससे चमक आपके बर्तन में आना स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट एक डब्बा लग ही जाता है, हाँ एक डब्बा लग ही जाता है, जब ये शाइनिंग लिक्विड भर जाए तब आपको इसको इस तरीके से बंद कर लेना है, पुश कर लेना है और इसे टर्न ओवर करके बंद कर लेना है, टर्न कर करके पहले अंदर से पहले पुश करना है ये निकल जाएगा, फिर उसको आपको थोड़ा जोर लगा करके टर्न कर लेना है, ये दोनों और ये दोनों, ये आपका लॉक हुआ तो ये आपका बंद हो गया, इसका मतलब है शाइन लिक्विड है ये वाला, ये शाइनिंग लिक्विड के लिए। और ये जो डॉट्स देख रहे हैं इसे कहते हैं हम लोग पाउडर, जो हम लोग मशीन या कपड़ा वॉश करने के लिए जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं देना होता है, बस हल्का सा जितना भी आप मतलब कि कपड़े में और या तो बर्तन जितना भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अनुसार ही पाउडर डालते हैं कि कितना मेरा है बर्तन, मेरा कितना है और कितना कपड़ा है, अगर मेरे पास कम है तो हम कम लेंगे, तो हम इसको कम यहाँ पे इन्वेट कर देंगे। तो ये हर बार करना, ये हर बार जितना बार आप कपड़ा धोते हैं उतना बार सर्फ डालते हैं, हाँ। उतना बार बर्तन में भी डालना पड़ेगा आपको ठीक है, और ये तो पुश कर करके छोड़ देंगे। ये आपने जो डाला ये मोटा मोटी कितना बर्तन का ये आ जाएगा इसमें, इसमें आपका नहीं भी तो नाश्ते का बर्तन हो सकता है, नाश्ते का जो बर्तन होता है वो हल्का फुल्का गंदा ही होता है, तो हम लोग अगर इसमें जितना डालते हैं वो एक बार में ही सारा यूज हो जाता है। अगर आप चाहिएगा तो इसे पूरा ढक्कन फुल करना, तो भी फुल करने के बाद भी वो और जागेगा तो और भी लेगा, मतलब जितना डालेंगे उतना खत्म कर ही देगा, हाँ इसका काम है जैसे मशीन स्टार्ट होगा ये ऑलमोस्ट अपने आप ये मूव हो जाता है, ये अपने आप मूव हो जाता है, तो इसमें कितना है उसको ये नहीं पता, आपको डालना है क्वांटिटी से कि कितना चाहिए, तो ये इसे लगा देना है हमें, और उसके बाद फिनिश हो गया, ये हमने सॉल्ट डाल दिया, ये शाइनिंग लिक्विड डाल दिया, ये हमने पाउडर डाल दिया, अब इसमें हम लोग को सिर्फ बर्तन डालना इंस्टॉल करना बाकी है। ये देखिए जो कुछ भी रहेगा ऐसा ही रहेगा उल्टा और प्लेट जो रहेगा ये ऐसा लगा रहेगा, खड़ा जी हाँ खड़ा रहेगा, कैसा रहेगा ये देखिए प्लेट ऐसे रहेंगे, ये सीटी बता, नहीं नहीं नहीं
जी ये सब में है ना स्पून वगैरह जाएगा, ये वाला अगर चम्मच रहेगा तो चम्मच वगैरह जाएगा, खड़ा भी कर सकते हैं चम्मच को और ये भी कर सकते हैं जी। हाँ जी, थाली को कैसे डाल सकते हैं? आप थाली को यहाँ डाल देते हैं, ये आपका चला गया। हाँ हाँ क्यों नहीं डालो जी। हाँ वो भी जाएगा। ग्लास वगैरह भी है? ग्लास किसमें फंसा दीजिएगा? ये दोनों के बीच में, ये देखिए ग्लास को ये दोनों के बीच में ऐड कर सकते हैं। तो ग्लास क्या होगा, इधर उधर चम्मच वो नहीं हटेगा। जितना आपका बर्तन रहेगा ना सेम उतना ही डालना, जैसे मतलब जैसे कपड़े में धोने के लिए डालते हैं सरफ, सेम वैसे ही डालना है। ज्यादा तेल नहीं है तो हाँ थोड़ा सा डालिए, तेल है तो हाँ थोड़ा ज्यादा डाल दीजिए, क्योंकि तेल को चिकनावट को खत्म करना इसी का काम है, ठीक है ना। बाकी ये देखिए आपको इस पे आपका हल्का गंदा है, ये मिनिमम पे लगा दीजिए और स्टार्ट कर। सबसे पहले वो आपको ड्रेन आउट करेगा जो गंदा पानी है, रिफिल जो पहले था उसमें ऑन करते के साथ गंदा पानी आपका ड्रेन कर देगा, फिर से तब वो न्यू पानी लेगा, न्यू वाटर लेगा, तब से फिर न्यू सर्व होगा। ज़्यादा कढ़ाई वगैरह में गंदगी वगैरह लगा हुआ है, ज़्यादा चिपचिपना है मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो ये इको वॉश, फिर नॉर्मल वॉश जो डेली मतलब कि रात का जो डिनर का खाना पीने का जो भी बनता है ये नॉर्मल वॉश। हाँ जैसे सादा हाँ सादा का सब्जी है तो फिर आपको 35 मिनट में हो जाएगा, जैसे छना है हाँ तो ये 35 मिनट में आपका हो जाए। हाँ ये सब नहीं बनता है तो शाकाहारी का बहुत अच्छा, तब तुमको लगता है तेल ही वाला होगा तो तुमको 35 मिनट ही वाला में आपका काम हो गया है बस यहाँ से। और उसके बाद अगर हाँ ग्लास वगैरह यूज करते हैं मेहमान आ गए तो उसमें ग्लास वगैरह है तो फिर उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा सब्जी है मतलब जो भी है थोड़ा बहुत ऑयली टाइप का उसमें सब्जी वगैरह है तो वो आपका ग्लास वाला रहेगा, तो आप ग्लास क्लियर कर सकते हैं, ग्लास यहाँ पे है ठीक है ना, ये ग्लास वाला है। फिर आपका ये वाला है ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा हैवी है इंटेंसिव वाला, ये वाला आप कर सकते हैं। बाकी आपका टाइम डिले भी है, यहाँ से आप टाइम को डिले भी कर सकते हैं, मतलब इस टाइम में मशीन ऑन हो तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ज़रूरत होगा, ये तो हो गया। और ये वाला आपका प्रोग्राम है ये वाला ऑफ एंड ऑन, मतलब दाब के रखना होगा, 2 सेकेंड के अंदर ऑन हो जाएगा और 2 सेकेंड के अंदर ऑफ हो जाएगा। और ये वाला आपका पॉज बटन है, और ये वाला जो है ये शाइन रिलेटिविटी का है, और ये वाला है ये सॉल्ट का इंडिकेटर है। ये दोनों इंडिकेटर कोई सा भी अगर इन्वॉल्व हो जाता है आपका जल जाता है, समझ जाइए कि आपका लिक्विड खत्म है, और ये जान लीजिए कि आपका शॉर्ट अपना शाइनिंग अच्छा। और इसमें ये जो लास्ट आपने डाला था डिटर्जेंट के लिए नहीं है? डिटर्जेंट के लिए नहीं है, डिटर्जेंट वो तो आपको डेली डालना ही है। और बाकी जो है मंथली बेसिस पे का पावर सप्लाई 220 है, 50 गीगाहर्ट्ज़ पे आपका चलेगा ठीक है ना, कैपेसिटी इसका 8 वाट का है ठीक है ना, और ये आपका 25.5 केजी का आपका वेट है ठीक है ना, और इसका आपका वोल्टेज का इनपुट है 1380 है माइनस 220 वाट ठीक है, हीटर ऑन होने पर विदाउट हीटर के आपका कम।
इंडियन किचन के लिए मतलब क्या डिश वॉशर इंडिया के लिए परफेक्ट है या अभी भी हमें कुछ समय और वेट करना चाहिए? नहीं, कुछ समय वेट करने की जरूरत नहीं है, इंडियन में भी बहुत ही बेटर है डिश वॉशर, क्योंकि जो आपको जो जला हुआ जो कढ़ाई में जो नज़र आता है वो हीटिंग के कारण और स्टीम के लिए बहुत ही बेटर है हमारी मशीन में। उसमें दिया हुआ है वो आपका रिमूव कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। टाइम के लिए भी इशू नहीं है कि आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, वाटर के लिए भी इशू नहीं है कि वाटर ज़्यादा ले रहा है, तो वाटर और टाइम दोनों ही आपका लेफ्ट कर दिया है इस मशीन ने आपका डिशवाशर। और टाइम भी आप जान ही रहे हैं उसमें 30 मिनट से 1 आवर ज़्यादा, जितना भी चिकनाई गढ़ा है तो उसमें कढ़ाई वगैरह है या आपका मतलब कि उसमें ले लीजिए शीशे का बर्तन ले लीजिए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो नॉर्मल है तो 35 मिनट्स में आपका ऑलमोस्ट काफ़ी है। इंडिया के लिए बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के लिए, कोई मतलब हमने जो लिया है वो सही डिसीजन है। हाँ एकदम सही डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं आती, बेस्ट है आपको। और आप फाइनली आप किस कंपनी को प्रेफर करते हैं? फाइनली आप इसमें आप ले सकते हैं दो कंपनी का नाम, होगा एक का तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी दोनों फाइट में चल रहा है, अभी वर्सेस में दोनों IFB और आपका वोल्टास देखो दोनों में मतलब कि बेस्ट निकाला है, टेबल टॉप जो निकाला है तो दोनों में वर्सेस हो रहा है। ओके ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अभी दोनों का ही बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों में स्टीम है आपका, इसमें भी स्टीम है उसमें भी स्टीम है, वही है कि वो आपका नीचे रहेगा और ये आपका टेबल टॉप हो गया, ये इजी केयर हो गया और वो थोड़ा सा हैवी हो गया। उसके लिए आपको जगह करना होगा, स्पेस चाहिए, इसमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है, वो किचन के ऊपर आपका रखा गया तो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा परफॉर्मेंस में भी और कम यूज़ करने के लिए ज़्यादा बेटर आपका वोल्टास वेपर। उसके बाद अगर लाइटली क्लियर करने के लिए तो सबसे बेटर है, और वो हैवी के लिए IFB, तो आप ज़्यादा अगर लाइटली के लिए ले रहे हैं तो वोल्टास वेपर से बेटर कोई नहीं फिर आपको लाइट क्लियर के लिए। चमक वगैरह ये सब ये देखिए सर, हाँ ये इसका हमारा वॉश हो चुका है तो आप देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, जो आपका क्वेश्चन था ना कि ये हमारे इंडिया की किचन के लिए बेटर है या नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं, ये नहीं हो चुका है सर, ये वो 3 घंटे वाले में जाएगा, 3 घंटे में जाएगा, तो 3 घंटा वाला है पापा, इसमें नहीं है 3 घंटा वाले में, इसीलिए 3 घंटा वाला वॉश करिए सबसे बेटर है। ये देखिए आप देखो 200 मिनट जी नहीं नहीं आधा घंटा कम से कम धोने का टाइम है इसका जी सर, कम से कम आधा घंटा कम से कम आधा जी हाँ।